जन यात्रा पर निकले जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने जमकर मनोहर सरकार की खिंचाई की। दुष्यंत ने मनोहर सरकार को घेरते हुए जनता को लूटने वाली सरकार बताया। इतना ही नहीं, दुष्यंत ने सरकार पर अपने भ्रष्ट नेता और मंत्रियों को बचाने के लिए अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का भी आरोप लगा डाला। पिछले एक हफ्ते में मनोहर सरकार के मनोहर घोटाले सामने आए। पहले किलोमीटर स्कीम घोटाला, जिसके अंदर खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने करोड़ों का घपला करने का काम किया, जिसका हाईकोर्ट भी आज संज्ञान ले चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सेशन से पहले सरकार इस पे व्हाइट पेपर लाने का काम करे, और सरकार अगर इस सेशन के अंदर इन तमाम घोटालों पे व्हाइट पेपर नहीं लेकर आती तो जननायक जनता पार्टी इस मनोहर घोटाले की सरकार के विरुद्ध में। मनोहर सरकार को घोटाले की सरकार बताते हुए दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर आरोपों की छड़ी लगा दी। दुष्यंत ने ये भी कहा कि ओवरलोडिंग के नाम पर जो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वो बिना सरकारी संलिप्तता के होना संभव नहीं है। दुष्यंत ने बीजेपी सरकार में हुए घोटालों की सीबीआई जांच की मांग भी की। ये स्पष्ट है कि आज ये मनोहर सरकार नहीं है, ये मनोहर घोटालों की सरकार है। मनोहरता से निरंतर घोटाले करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं तो ये मांग करता हूँ कि सेशन से पहले अगर मुख्यमंत्री अपने आप को इतना ईमानदार मानते तो जहाँ कृष्णलाल पवार जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, सरेआम उनका नाम किलोमीटर घोटाले के अंदर आया है, उनका इस्तीफा सदन के अंदर पेश करने का काम करे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी संग्राम जारी है और इस बार जेजेपी के टारगेट पर बीजेपी आ गई है। मनोहर सरकार में हुए घोटालों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर इस्तेमाल करने के फुल मूड में है। R9 TV के लिए यमुनानगर से रणसिंह चौहान की रिपोर्ट।